और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, वो भी आपको दे दे। गुजरात में आतंकी हमले के अंदेशे से आईटी का एक अलर्ट आया है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम विजय रूपाणी पर हमले की धमकी मिली है। गुजरात पुलिस को धमकी की चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में अमित शाह रूपाणी समेत 13 लोगों के नाम है। आईबी ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट पुलिस को अलर्ट कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता रक्षित पंड्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, इस वक्त की सबसे अहम खबर, आईबी को क्या इनपुट मिले हैं? जिस तरह से बात की जाए तो कल आईबी को एक यहाँ पर एक चिट्ठी मिली थी और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह और उसके साथ साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी और जो डिप्यूटी सीएम नितिन पटेल समेत 13 लोगों को मार दिए जाने की जो चिट्ठी है वो आईबी को मिली थी। स्टेट आईबी ने इस चिट्ठी के मुताबिक जो गुजरात के महानगर है वो सभी महानगर के जो पुलिस है उसको अलर्ट किया गया है। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा के जो पुलिस कमिश्नर है उसको एक रिपोर्ट आईबी की ओर से दिया गया है और उसे भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि साफ तौर पर गुजरात में एक आतंकी हमले का खतरा बताया गया है। जिस तरह से चिट्ठी में स्पष्ट लिखा गया है कि उरी और पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उसी तरह का हमला है वो गुजरात की ओर भी होने वाला है और ये सभी लोगों को मार गिराने की धमकी भी मिली और साथ साथ में एनआरसी का विरोध भी मुस्लिम समाज की ओर से किया जाएगा। इस तरह की पूरी चिट्ठी मिली और इस चिट्ठी के मुताबिक गुजरात की जो स्टेट आईबी है उसने सभी पुलिस को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया और आगे की कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी और सभी सुरक्षा को बढ़ाई दी गई है। जी रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।